यूपी के मुजफ्फरनगर से दो शर्मसार करने वाली खबरें सामने आई। दोनों खबरें मुजफ्फरनगर के अलग अलग थाना क्षेत्र से हैं, जहां थाना चरथावल क्षेत्र के गांव दहचंद में कलयुगी ताऊ ने खून के रिश्ते को कलंकित करते हुए अपनी बेसहारा नाबालिग भतीजी का आसरा देकर दो महीने तक रेप करता रहा। आरोपी अपनी भतीजी को नशीला पदार्थ खिलाकर रेप की वारदात को दो महीने से अंजाम दे रहा था। वहीं दूसरा मामला मुजफ्फरनगर के ही थाना भोपा क्षेत्र के गांव फिरोजपुर का है, जहां 4 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक खेलती बच्ची को उठाकर अपने घर पर ले गया और उसके साथ हैवानियत का गंदा खेल खेला। तो दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां एक रिश्ता हुआ जहां पर शर्मसार और दूसरा 4 साल की मासूम से रेप किया गया। तो कहीं रिश्ते हुए शर्मसार, कहीं मासूम से रेप। एक जगह ताऊ ने भतीजी से किया रेप, तो दूसरी जगह पड़ोसी ने मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया। तो हम अपने ताऊ के साथ में रहने लगे। फिर हमारे ताऊ ने हमें रख लिया अपने पास में। फिर अब जब बदतमीजी करने लगा हमारे साथ में। क्या करता था? हमारे साथ गलत काम करता था। कितने दिनों से कर रहा था? यही कोई वैसे 2-2.5 महीने हो गए, पर धमकी देता था। जब तुमने किसी को बताया तो तुझे तेरे भाई को मार देंगे, मेरे अकेला भाई, इस वजह से मैंने डर के मारो बताया नहीं। उसमें एक लड़की ने ये आरोप लगाया है, उस लड़की के पिताजी की मृत्यु हो गई थी काफ़ी समय पहले। 5 बहन हैं, तो उनकी माता जी उन्हीं के ताऊ को बैठ गई थी। तो अपने ताऊ या कह सकते हैं कि सौतेले पिता पर उसने आरोप लगाए हैं कि वो उसके साथ दुष्कर्म करता था। बच्ची मैंने उस पर टंकी पे पानी लेने गई थी। टंकी पे जब बच्ची में मुझे छत पे दिखी तो चिल्लाती भाई, मैं फिर उसे लेने आ गई छत पे। छत पे से लेके आई मैं, तो बच्ची का नेकर तो प्लॉट में फेंक रखा था, खून में बंडा हुआ। अब बच्ची को